हाय, वेलकम ऑल ऑन जिम्स ऑर्बिट। अब हम ये क्लास 11th के सीरीज़ में चैप्टर 1 जो हम कर रहे थे सेट, उसका हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। और सेकेंड पार्ट बेसिकली इसमें ये आपका चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 और एनसीईआरटी की 1.1, आरडी शर्मा की 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी थी। एक छोटा सा रिकॉल करा दूँ ये, क्योंकि मैंने कल एक क्वेश्चन, मतलब कल मेरा हमेशा लास्ट सेशन से मतलब है, तो हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें एक क्वेश्चन मैंने रैंडमली ले लिया था, 7 की पावर n हो रही थी। थोड़ा सा उसको मैं सही कर देता हूँ, मतलब वो पूरा सही 99% सही था, थोड़ा एक परसेंट उसमें कुछ मिस हो गया था, वो मेरे दिमाग में रह गया। जैसे अगर आप ये सेट लिखते हैं और अगर आपसे बोला गया ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो हमने ये पढ़ा था कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हमें लिखना है तो हम लिखेंगे लेट देयर इज अ सेट ए विच इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, आप इसे नंबर दे रहे थे, मैंने भी वहां पे n यूज किया था, तो n अपॉन, आप देखिए ये अगर 1 है, अगला 2 है, 3 है, तो ऊपर तो 1, 2, 3, 4 आ रहा है, नीचे उससे एक ज्यादा आ रहा है, एक ही ज्यादा आ रहा है ना, तो आप कहिए n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और ये इसमें मैं क्या मिस कर गया है, बस इतनी सी बात कि n जो बिलोंग कर रहा है वो किसको सेट को कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट को कर रहा है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं बताएंगे तो हम इंटीजर भी रख देंगे, हम निगेटिव वैल्यूज रख देंगे, हम फ्रैक्शंस रख देंगे, जो अलाउड नहीं है। तो ये मैंने कहा था कि n को 1, 2, 3 लिखते हैं, या आप ये लिख दीजिए कि n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर आप ये भी लिख देते हैं भाषा में तो भी सही है, पर भाषा में क्यों लिखेंगे, यही ज़्यादा बेटर है। n बिलोंग्स टू कैपिटल n, और आपको लिमिट लगानी है इन पे, n की लिमिट हमेशा न्यूमिनेटर पे देखिए, क्योंकि आपने n को न्यूमिनेटर बना के रखा है, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, और 6 या 6 से छोटी है, ठीक है। और ये हमारा हो गया सिंपल सा, आप कह सकते हैं कि ये अगर यहाँ मिस हो गया हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, तो आप इसे कह दीजिए कि ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, ठीक है। हमने देखिए, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूँ, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर से मार्क होता है, कैपिटल लेटर से। फिर हमने पढ़ा था कि जो उसके एलिमेंट हैं उनको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और पार्लियामेंट से मुझे मेंबर पता लग गया, मेंबर भी कहते हैं, तो वो स्मॉल ए से डिनोट होता है, ए सी बी कुछ भी लिखिए मतलब, और आपका ये एलिमेंट का तीनों नाम होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं आज, तो अब आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, बहुत तरह के सेट्स होते हैं। सबसे पहला जो हम सेट पढ़ने वाले हैं वो है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट देखिए, एम्प्टी सेट क्या होता है, अगर आप एम्प्टी सेट के बारे में जाने तो बस एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूं कि ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज मोर देन 4 बट लेस देन 5, यानी कि x की वैल्यू 4 से बड़ी और 5 से छोटी, और एक x एक नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, एक बात बताइए 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता भी है, आप इक्वालिटी लगा देते तो हम 4 बोल देते, कम से कम एक वैल्यू तो आती, इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं आती है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर कुछ नहीं आता। अब आप कुछ नहीं को कुछ नाम देना चाहते हैं, कुछ नहीं को कुछ नाम देना चाहते हैं, वो नाम है एम्प्टी सेट, जिसे आप कहते हैं वॉइड सेट, और जिसे आप कहते हैं नल सेट। तो ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, और इसको सिंबल दिया गया है, लिखने का तरीका है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए नल, फाई इसे बोलते हैं, ये भी एक लेटर है, फाई लेटर है, और इसके साथ ही साथ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक प्रिकॉशन यहां पे, ये मत लिखिएगा, ये गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि आप ये कह रहे हो कि इस सेट के अंदर एक और सेट एलिमेंट है जिसका नाम नल सेट है, मैं इसके बारे में और बात करूंगा थोड़ी देर के बाद एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में, अभी नहीं। तो ए इज इक्वल्स टू ये नल सेट है, ये बता रहा है कि इसके सेट के अंदर एक एलिमेंट है, जबकि यहां बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, ये बस यहां से इस चीज को लेके जाइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 एलिमेंट्स हैं, यानी इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, जबकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1, और वो खुद ही एक सेट है, जो एक एलिमेंट है वो खुद ही एक सेट हो गया, ठीक है, तो ये अंतर हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि जब किसी सेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है तो उसे हम वॉइड या एम्प्टी सेट कहेंगे, और वो सेट के अंदर लिखने का तरीका है या तो कुछ मत लिखिए, डिब्बे बनाइए, कर्ली ब्रैकेट्स सफिशिएंट है, या आप नल सेट का सिंबल दे दीजिए, ठीक है, दोनों बातें एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड, और भी सेट्स होते हैं, अब मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे एक सेट है फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट,
देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट ऐसे समझिए कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। अब मैं एक बात और बोल देता हूँ आपको, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के अंदर, उनको सिंबल दिया गया है एन, और उसे कार्डिनल नंबर बुलाया जाता है सेट का। क्या बुलाया जाता है? कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो फाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी उसके अंदर आपको सारे एलिमेंट्स नहीं मिलते, सिर्फ कुछ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे एक सेट है ए इज इक्वल्स टू, मैं पता है रोस्टर फॉर्म नहीं लिखना चाहता अभी, मैं सारी की सारी जो फॉर्म लिख रहा हूँ वो अभी आपके लिए मैं सेट बिल्डर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही कन्फ्यूज करती है। एक द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, देखिए मैं पढ़ता भी रह रहा हूँ, सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है इस तरीके से कि एक्स की वैल्यू 7 और सॉरी लेस देन और 11 है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, 7 नहीं आएगा सर, 8 7 कैसे आएगा, 8 9 10, ठीक है। तो ए हो गया 8 9 और 10, अगर यहाँ इक्वालिटी होती तो फिर ये आ जाता, इसके बारे में थोड़ी आज बात करूँगा, ठीक है, लास्ट पार्ट में। तो ए हो गया 8 9 और 10, ये हमने समझ लिया। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, जब आप फाइनाइट बताते हैं कि फाइनाइट फिक्स वैल्यूज हैं तो नॉट फिक्स्ड वैल्यूज कर दीजिए, इतना तो हमने इंग्लिश में भी सीखा है, नॉट फिक्स्ड वैल्यूज सही है, यानी अनंत वैल्यूज हैं, अनंत से भी आगे। पता नहीं आपने टॉय स्टोरी देखी है कि नहीं, उसमें ही है ना अनंत से भी आगे बज लाइट ईयर। सो ए इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें क्या है, आपके पास ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा, जैसे आपने सिंपल सा देख लिया, ऐसा लॉजिक है, एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसमें कॉमा लगाइए, एक्स इज मोर देन 7 और इक्वल टू 7, तो आपके पास यहाँ एलिमेंट्स आ गए 7 8 9, सर लिमिट लगाए नहीं है सर, अब जा रही है। तो ये जो डॉट्स है ना, ये 3 डॉट स्टैंडर्ड बनाए गए, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ठीक है, इजी है। तो आपके पास डॉट 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 3 डॉट लगा दीजिए, और ये 3 डॉट ये बता देंगे कि ये वैल्यूज कंटिन्यू हो रही हैं, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि ये लिमिट तो लगा ही नहीं है, ठीक है, बात समझ गए। तो एक और मैं अभी आपके लिए करता हूँ, पहले और भी रह गया, देखिए हमने कर लिया एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसके बाद दो तरह के सेट्स और होते हैं, कैटेगराइज हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। देखिए अभी मैं एकदम जनरल बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रॉपर बात करूँगा जब मैं सबसेट पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सबसेट मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा बातें करनी है, इसलिए इक्वल सेट में ऐसे रैंडमली अभी समझ लीजिए बात कि ए इज इक्वल्स टू अगर 1 2 3 लिखा है, और मैंने एक सेट लिख दिया बी इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स इज अ होल नंबर, कुछ भी लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स इज अ होल नंबर कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, तो ऑब्वियस ही बात है 1 2 3 हो गया, या आप कह दीजिए एक्स है ना, समझ रहे हैं, 1 से 3 हो गया, तो ये वैल्यू भी वही देगा और ये भी वही वैल्यू दे रहा है। अगर किसी सेट में सेम कार्डिनल नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, साथ ही साथ उन एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी सेट में 1 2 3 लिखा है, किसी में 3 2 1 लिखा है, तो अगर कोई कह दे कि भाई एक सेट है सर एक्स, इसमें 3 2 1 लिख दिया मैंने, आप क्या करेंगे, आप ये इक्वल है, अरे हाँ भाई अभी भी इक्वल है, ठीक है। अगर एलिमेंट्स वही हैं, पोजीशन से मतलब नहीं है, और उनके टोटल वैल्यूज सेम है, यानी कि इसमें 3 है उसमें 4 नहीं होना चाहिए था, इसमें 1 2 3 5 नहीं हो सकता, एक एक्स्ट्रा नहीं आ सकता, 3 ही 3 होने चाहिए और सेम वैल्यूज होनी चाहिए, तब आप कहते हो कि ये एक इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट बस इतना कहता है कि सेम कार्डिनल नंबर होगा, बस शॉर्ट में समझ गया, सेम कार्डिनल नंबर, यानी वो ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, इसे ऐसे ही लिखते हैं, कार्डिनल नंबर को लिखते हैं एन ऑफ ए, ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जिस सेट के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है, ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, अगर दोनों के इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट सेट है, कहानी खत्म, इक्विवेलेंट है इक्वल नहीं है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद दो चीज़ें और हैं, और उसके मुझे लगता है कि चलिए मैं बता देता हूँ, ये सारी बातें नेक्स्ट सेशन में आएंगी, ये वाला जो पार्ट है डिसजॉइंट सेट, ये जब मैं इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से बात करूंगा, अभी नहीं बात कर रहा, बस इतना कह रहा हूँ, ये डिसजॉइंट सेट एक ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता है, बस कहानी खत्म।
यानी कि वो दो सेट्स जिसमें एक भी वैल्यू कॉमन नहीं आए, जैसे एक ए सेट है जिसका वैल्यू है 7, 9, 11 और एक दूसरा सेट है बी जिसमें वैल्यू है 6, 8, जरूरी नहीं है कि सेम या कुछ हो, ठीक है, इससे फिर मैटर नहीं करता, कार्डिनल नंबर से भी कोई मतलब नहीं है हमें। अगर सेम नंबर सेम वैल्यूज नहीं आ रही हैं उनके अंदर, एक भी वैल्यू सेम नहीं है, तो फिर आप कहते हैं वो डिसजॉइंट सेट है, एक्चुअली उनका इंटरसेक्शन नल सेट देता है, तो वो बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग सेट भी एक चीज़ होती है, तो अभी अभी इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। एक टाइप्स ऑफ सेट्स पे आ गया था मैं, एक मिनट, ठीक है, ये हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट कर लिया, एक मिनट, प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8 हमें बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है 2, 4, 6, 8, 800 तक, तो फाइनाइट है, ठीक है, कलर नहीं दिख रहा ये, माइनस, ये देखिए ये डॉट 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 लेफ्ट हैंड में बने हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड में माइनस इन्फिनिटी तरफ जा सकता है, तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, तो मैं फाइनाइट में एफ लिख देता हूँ और इनफाइनाइट में आई लिख देता हूँ, ठीक है, आगे करते हैं, कलर नहीं दिख रहा है ये सब। एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन -60 एंड 60, एक्स इंटीजर है -60 और 60 के बीच में, ये एक फाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज वर्किंग इन योर हाउस, ऑब्वियसली फाइनाइट सेट है। एक्स इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 20, अगर 20 से बड़ा होल नंबर के बारे में बात हो रही है तो वो एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, और होल नंबर लेस देन 20, भाई 20 से लेस देन है, कन्फ्यूज कर रहा है, अगर यहाँ इंटीजर लिखा होता, देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं सीखिए, अगर यहाँ इंटीजर लिखा होता तो ये एक इनफाइनाइट सेट होता, पर क्योंकि ये होल नंबर लिखा है तो 0 से नीचे तो जा नहीं सकते आप, तो 20 से तो छोटे रहोगे लेकिन 0 से नीचे तो जा नहीं सकते, तो कुल मिला के जो वैल्यूज आएंगी वो फिक्स आएंगी, इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर ये इंटीजर होता तो ये एक इनफाइनाइट सेट होता, क्योंकि फिर निगेटिव में हम निकल गए होते, यानी हम उधर निकल गए होते लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है, समझ गए। चलिए ट्रू और फॉल्स करते हैं, ये भी फाइनाइट और एम्प्टी सेट्स के ऊपर है, क्वेश्चन हो जाएगा, ये इज अ फाइनाइट सेट, ये आप कर लेंगे, फाइनाइट नहीं है, फॉल्स है। ये देखिए इज एन इनफाइनाइट सेट, ये फॉल्स है, क्योंकि ये तीन डॉट से मतलब नहीं होता, एक कन्फ्यूजन हमें होता है सर तीन डॉट लगाए तो क्या ये इनफाइनाइट सेट है, नहीं ऐसा नहीं है, क्या उसकी फाइनल वैल्यू और लास्ट वैल्यू के अंदर कोई डिजिट प्लेस्ड है, अगर कोई नंबर है, कोई सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, तो फिर वो एक फाइनाइट सेट है, बीच में डॉट 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 है मतलब वो पैटर्न सेम चल रहा है, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है, इज द एम्प्टी सेट, बिल्कुल सही बात है, ट्रू, क्योंकि एक्स इज अ नेचुरल नंबर है लेस देन 1, 1 से नेचुरल नंबर, 1 से छोटा वैल्यू कोई होता है, कोई नहीं होता, इसका मतलब वो एम्प्टी सेट है। होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 16 इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, ध्यान से पढ़ते हैं, होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 16, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 15 एंड 16, एक भी नहीं है, नल, इट इज अ नल सेट, होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 16, कोई होल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, कोई नेचुरल नंबर नहीं है, दोनों नल सेट हैं, और क्या दो नल सेट बराबर हैं, बिल्कुल दो नल सेट अलग अलग नहीं हो सकते भाई, कुछ नहीं है डिब्बे में तो किसी भी डिब्बे में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो एक ही चीज़ होती है ना, मतलब एक चीज़ नहीं होती, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कुछ नहीं है, तो नल सेट जो है बराबर है नल सेट के, इसका मतलब इक्वल है, ये तो ट्रू हो गया। ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज द एम्प्टी सेट, ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2 का जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट है, बिल्कुल सही बात है, अगर आप ऑड नंबर्स को डिवाइड बाय 2 करोगे तो नहीं, ये कैसे पूछना चाह रहा है, इसने ये नहीं बताया कि नंबर्स किसको बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन आधा है, देखिए क्यों, अगर ये कहता कि ऑड नंबर्स, जैसे ऑड नंबर्स 3 है डिवाइड बाय 2 तो 1.5 आएंगे, लेकिन ये कह रहा है ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल मतलब एग्जैक्टली अगर इंटीजर आना चाहिए, देखिए वैसे डिविजिबल हैं, 2 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर वो ये कह रहा है एग्जैक्टली एक इंटीजर मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है, तो ये इज द एम्प्टी सेट, ये ट्रू है, लेकिन अगर वो ये नहीं कह रहा है तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, ठीक है, ये कंप्लीटली बात नहीं करता। ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2 मेरे हिसाब से अगर एम्प्टी सेट बोल रहा है तो यहाँ मैं 2 लिख दूंगा, क्योंकि ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2 होते ही नहीं है, तो कोई भी सेट नहीं आ रहा उसके अंदर, कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो वो एक एम्प्टी सेट है, डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो मुझे लगता है वहीं तक ही लेवल होगा इसका, ज़्यादा नहीं पूछेगा, फिर भी इसका एक कॉर्नर केस हो सकता है। इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3, इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज द एम्प्टी सेट, नहीं ऐसा नहीं होता, इवन नेचुरल नंबर के अंदर 6 आता है तो क्या 6 3 से डिवाइड नहीं होता, ऑब्वियसली होता है, इवन नेचुरल नंबर के अंदर 12 आता है तो क्या 12 3 से डिवाइड नहीं होता, होता है,
तो यानी कि वो कह रहा है कि एम्प्टी सेट होगा, क्या बात करो, 6 और 12 नहीं आएंगे उसके अंदर, तो बस ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यानी वो पिछला स्टेटमेंट वहीं तक ही सीमित था, ठीक है वो ट्रू सही है, एम्प्टी सेट ट्रू है, ठीक है श्योर हो गया इस क्वेश्चन के बाद वो उसके ऊपर वो हो गई। एक्स सच डैट एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स इज लेस देन 0 इज द एम्प्टी सेट। ध्यान से पढ़ते हैं, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स कि एक्स पॉजिटिव हो यानी कुछ भी हो सकता है 1 2 3, और एक्स लेस देन 0 भी हो एंड लगा हुआ है यानी एक ही समय पे एक्स वैल्यू 0 से छोटी भी हो और पॉजिटिव भी हो। अरे बेवकूफ बना रहा है, इज द एम्प्टी सेट, हाँ ट्रू है ये एक एम्प्टी सेट है, ऐसा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं, वो ये पूछ रहा है क्या ये एक एम्प्टी सेट है, हाँ ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि क्योंकि कोई एक ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो पॉजिटिव भी हो और उसका वैल्यू 0 से छोटा हो। अरे वो 0 से छोटा है तो वो निगेटिव है, यानी एक ही नंबर पॉजिटिव और निगेटिव एक समय पर कैसे हो सकता है। ठीक है ये कह रहा है इट इज अ फाइनाइट सेट, देखिए फंसा गया, मैं पिछली बार आपको बता गया था अगर 3 डॉट लगे हैं और वो एंड में लगे हैं तो वो एक इनफाइनाइट सेट है, अगर एंड में कोई फिक्स वैल्यू है बीच में डॉट लगे हैं तो एक फाइनाइट सेट है, ठीक है तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो ये एक स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल थे, देखिए सिंपल ही है, अगले लेवल पर मैं इसको आर डी शर्मा पर ले जाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए अभी तो शुरू किया हूँ। अब पढ़ते हैं सबसेट, सबसेट में बहुत सारी बातें हैं और बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे जब मैं कहता हूं कि कोई एक सेट है ए, अच्छा एक बात और, वहां तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर ली और आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 1.3 खत्म कर ली, यानी कि इस वाले पेज तक जितना भी आपने पढ़ा इससे आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 लग जाएगा और आरडी शर्मा का आप लगाइए लग जाएगा, मार्किंग मेरी बात मानिए, एक्सरसाइज 1.3 लग जाएगा, 1.1 और 1.2 तो हमने पार्ट वन से लगा लिया, ठीक है यहां तक खत्म हो गया। मैं थोड़ा आज एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं क्योंकि बीच में संडे पड़ रहा है, क्या करेंगे। तो ए इज इक्वल्स टू, देखिए अब हम सबसेट पढ़ते हैं, सबसेट में देखिए जैसे मैंने लिख दिया कोई एक सेट है ए, उसके अंदर वैल्यूज है 2 4 6, ठीक है, और कोई सेट है बी जिसके अंदर वैल्यूज है 2 4 6, या ऐसे ही है कुछ भी लिख देता हूं मैं, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन टिल 100 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितनी भी लिख सकता था, बस बात को समझिए। अगर आप देखें कि ए के अंदर आए गए सभी एलिमेंट्स क्या बी में हैं, एलिमेंट्स क्या बी में हैं, हैं? अगर ए के अंदर आए गए सभी एलिमेंट्स बी के अंदर हैं तो फिर आप कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ये जैसे ही मैं ये सिंबल बनाता हूं इस पे एकदम तुरंत से जितने लोग पढ़ रहे होंगे, सर हमारे टीचर ने ये बताया था, आप तो गलत बताएं, बताएं उनके टीचरों ने क्या बताया, उनको ये बताया है एक्चुअली में, ये ऑथर्स ने अब अलग अलग नोटेशन ले ली और सारा उसी में इन्होंने खिचड़ी पकाई है। आर डी शर्मा ये सिंबल यूज करता है सबसेट के लिए, जबकि एनसीईआरटी में ये सिंबल दिया गया है, दोनों ही सही है क्योंकि आर डी शर्मा ने प्रॉपर जो आपका प्रॉपर सेट होता है या सुपर सेट होता है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करता है, वो फ्लिप वाला, ठीक है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है सुपर सेट, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको, तो उसके लिए वो ये वाले सिंबल यूज करता है, अदरवाइज यहाँ पे डैश लगाना पड़ता है, तो यहाँ सिर्फ इस पे पूरे पे नहीं, तो यही लॉजिक थोड़ा दिक्कत है। आप इसे एनसीईआरटी से फॉलो करें तो ये पाएंगे, अगर आप आरडी शर्मा फॉलो करेंगे तो ये पाएंगे, दोनों सही हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं समझा दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आप ऐसे लिख लीजिए, अभी हम आरडी शर्मा फॉलो कर ले रहे हैं एक मिनट के लिए। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए एक बी का हिस्सा है, सबसेट का मतलब होता है कि कोई किसी चीज का हिस्सा है, सब पार्ट है ना, जैसे कहते नहीं डिवीजन सब डिवीजन, सब डिवीजन मतलब उसके छोटा हिस्सा, तो वो उसके अंदर आता होगा तभी तो उसके अंदर है ना। अब ऐसा तो नहीं कह रहे द ऑल द रिवर्स इन इंडिया, ठीक है, और मैं उसके अंदर ले आया नाइल, क्या बात करते हैं सर, नाइल इंडिया की रिवर है, नाइल तो इजिप्ट में बहती है, पता नहीं मेरी जी के सही है कि नहीं, ठीक है यही होना चाहिए था, ठीक है, सारी रिवर्स नदियों के नाम बात हो रही है और नाइल के बारे में बात कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, नाइल कभी भी इंडिया के रिवर का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है बात समझ गए आप, तो ये ऐसी बात हो रही है। तो जब कोई चीज़ सबसेट होती है तो ये सिंबल लगाएंगे आप, और जब कोई चीज़ सबसेट नहीं होती है, जैसे मैं एक सेट बना देता एक सी सब सी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा दिस लगता ही सी जैसा है, ई ले लेता हूँ, ई मान लीजिए लिखा है 1 3 4 6, तो क्या ई के अंदर आए गए सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, नहीं है, तो ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी लगाएंगे आप, तो ऐसे बना के नॉट लगा दीजिए, ठीक है, ये तो हो गई सबसेट की बात। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
तो इसका मतलब है फॉर एवरी एलिमेंट इन द सेट ए, लेट देयर इज एन एलिमेंट इन द सेट ए विच इज पी, यानी ए के अंदर एक एलिमेंट है पी. फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए बिलोंगिंग टू द सेट ए, दिस इंप्लाइज दैट दैट एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग टू द सेट बी. यानी कि वो सभी एलिमेंट जो ए को बिलोंग करते हैं इंप्लाइज करेगा, ये इसका मतलब होता है इंप्लाइज. अरे मेरा एंटीवायरस. ये वो ये इंप्लाइज करेगा कि पी बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि वो सभी सेट, सभी एलिमेंट्स, वो सभी आदमी जो इस वाले घर में रहते हैं वो बड़ी वाली बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं. सही बात है ना? अगर आप ये कहिए कि आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो उस फ्लैट के अंदर काफी घर होंगे, मतलब एक फ्लैट एक होगा लेकिन उसके अंदर मतलब काफी होंगे ना, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर काफी फ्लैट्स होंगे. हाँ आप सही बोल रहा हूँ, एक बिल्डिंग है उसमें कई फ्लैट्स होंगे, तीन चार फ्लैट होंगे, तो उसके अंदर आप रहते हो, नीचे वाले फ्लोर पे कोई और रहता है, ऊपर वाले फ्लोर पे कोई और रहता है ना? तो अब ये तो है नहीं, जैसे आप ऐसे देख लीजिए कि वो अय्यर है और एक ठो वो है पोपटलाल, तो पोपटलाल वाला ही पूरी बिल्डिंग में सी ब्लॉक में रहते हैं वो लोग, तो पोपटलाल जिस सी ब्लॉक में रहता है और जो अय्यर है वो भी सी ब्लॉक में रहता है, तो कुल मिला के एक ही बिल्डिंग में तो रहते हैं, तो वो उनके क्या हैं, सबसेट हैं. यानी कि अगर पोपटलाल सी बिल्डिंग को बिलोंग करता है, सी वाले को, तो अय्यर भी किसको बिलोंग करता है, सी वाली बिल्डिंग को बिलोंग करता है. ठीक है, सही बात है. तो पोपटलाल भी सी को करता है, अय्यर भी सी को करता है, तो सी बेसिकली क्या हो गया, हेड हो गया, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर पोपटलाल का इस घर में है, जैसे आप मान लीजिए कि ए सेट में है, तो पोपटलाल बी में भी होगा. मतलब एक आदमी जब एक छोटे घर में है तो पूरी बिल्डिंग के अंदर तो होगा ही होगा. ठीक है, तभी वो उसका सबसेट कहलाएगा. मुझे लगता है समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाह रहा था. तो सभी एलिमेंट्स को बिलोंग करना चाहिए. तो ये तो बात हो गई इसमें जिसमें आप पी बिलोंग्स टू ए में ले आए, और मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे. और अगले पेज पे मैं चलता हूँ, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ इसमें. ठीक है, इसी में बताता हूँ, एक सेकेंड. हाँ तो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ. जैसे मान लीजिए कि दो सेट हैं इक्वल, ए इज इक्वल्स टू बी, तो अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एक मिनट एक मिनट, एक चीज भूल गया मैं. ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हाँ हाँ सही तो लिखा. एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल्स टू बी होगा. ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए और बी इक्वल होंगे. तो कभी दो इक्वल कब सेट होंगे? सही बात है, जब मेरा सबसेट तुम हो और तुम्हारे सबसेट मैं हूं, तो मतलब दोनों एक ही जैसे हैं. सही है ना? तो ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. समझ गए इस बात को? तो आपको ये वाली एक बात याद रखनी है. अब मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर एक बात एक्स्ट्रा लास्ट में बोलूंगा. ठीक है, चलिए सबसेट के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे थोड़ी क्लैरिटी आ जाए दिमाग में. लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई. चलिए पढ़ते हैं. अब ध्यान से देखिए, मैं एक चीज ब्रेक डाउन कर रहा हूँ आपके लिए. 1, 2, 3, 4, 5, बड़े ध्यान से समझिएगा. इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया ही है. वन इसका एक एलिमेंट है, टू इसका एक एलिमेंट है, और क्योंकि ये देखिए एक डिब्बे के अंदर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तो ये पूरा एक एलिमेंट है. ठीक है, और ये एक एलिमेंट है. वो अलग बात है कि इसका एलिमेंट ही एक सेट हो गया, पर इसका एलिमेंट 3 और 4 नहीं है. इस सेट में 3 और 4 एलिमेंट नहीं है. ए सेट के अंदर 3 और 4 एलिमेंट नहीं है. 1, 2 और 5 तो है, पर 3 और 4 इंडिविजुअली नहीं है, बल्कि 3 और 4 का सेट मौजूद है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन वन करते हैं. एक्सक्यूज मी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई. 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए. ये कह रहा है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए. नो, इट इज नॉट अ सबसेट, इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए. ये पूरी चीज क्या है, एलिमेंट है, वो उसका एलिमेंट है, ना कि उसका एक सबसेट है. सबसेट हमेशा ब्रैकेट्स में लिखा जाता है. ये कहेंगे सर ये भी तो लिखा गया है, लेकिन क्या 3, 4 ऐसे लिखा था इसमें? अगर ऐसे लिखा होता 1, 2, 3, 4, 5 तो ये बिल्कुल सही आंसर होता, क्योंकि तब 3 और 4 का आप एक सेट बना सकते हो. कि थ्री सर थ्री वाले को भी ले आते हैं, 4 वाले को भी ले आते हैं, और कहते हैं ये तो एक छोटा हिस्सा है, उसके अंदर भी 3, 4 है. लेकिन ऐसा नहीं है. सो 3, 4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. लेकिन क्या ये कहता है 3, 4 बिलोंग्स टू ए? यस, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स. वाई दिस इज ट्रू? ये ट्रू क्यों है? क्योंकि 3 और 4 जो है ये एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट ही हमेशा सेट को बिलोंग करता है. मैंने आपसे अभी बोला था कि पी एक एलिमेंट है जो कि
ए को बिलोंग करता है, पी एक एलिमेंट है जो कि ए को बिलोंग करता है, इसका मतलब कि वो एलिमेंट मौजूद होना चाहिए और ये एक एलिमेंट की तरह ही रखा गया हुआ है। ये एक पूरा पूरा ब्रैकेट के अंदर एक ही आदमी है, ये एक ही आदमी है, उसके अंदर दो लोग रहते हैं, कैसे भी रहते हैं मुझे क्या, लेकिन वो एक ही आदमी है तो वो बिलोंग कर सकता है सेट को, वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। अब कोशिश करिए, अब यहाँ पे बस थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अगर आप ये दोनों समझ गए तो तीसरा अपने आप आने वाला है। क्या 3.4 एलिमेंट को अगर मैं डिब्बे के अंदर लिखूं तो वो सेट होता है? हाँ सर, वो सेट होता है। तो क्या वो सबसेट है ए सेट का? बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अभी मैं आपको तुरंत से एक बात बताता हूं कि मान लीजिए ए 1 to 5 है, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? एक सेट हो सकता है जिसमें से 1 आता हो, एक सेट वो हो सकता है जिसके अंदर 1 और 2 दोनों आते हो, एक सेट वो हो सकता है जिसके अंदर 1 भी आता हो, 2 भी आता हो, 5 भी आता हो, एक सेट वो हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ 2 आता हो, एक सेट वो हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ 5 आता हो, एक सेट वो हो सकता है जिसके अंदर 2 और 5 आता हो, एक सेट वो हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ 5 और 1 आता हो। ठीक है, एक सेट और हो सकता है क्या? एक और सेट हो सकता है, अभी इसको जान दिए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ वो है नल सेट। उसके बाद में बताऊंगा, पावर सेट पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, नल सेट भी होता है जब कुछ नहीं हो किसी सेट में वो, क्योंकि नल सेट हमेशा सबका सबसेट होता है, अभी वो बताऊंगा। तो 3.4 ये एक एलिमेंट था जिसको मैंने एक डिब्बे के अंदर डाला, तो ये बन गया एक सेट। जब मैंने किसी एलिमेंट को डिब्बे के अंदर डाला कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो बन गया सेट। और क्या वो सेट इसका सबसेट है? क्या इस ये वाला सेट जो है इसका सबसेट है? हाँ बिल्कुल है, 3.4 ये एक एलिमेंट है और इसका सेट बनाएंगे तो वो इसका सबसेट होगा। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, बल्कि ये ट्रू नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि इसे 3.4 सबसेट है, नहीं ये एलिमेंट है और एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता, सेट हमेशा सबसेट होता है। ठीक है, समझिए इस बात को। 1 belongs to A, ये तो बिल्कुल सही है। क्या 1 A को बिलोंग करता है? बिल्कुल सही बात है, 1 A के एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। क्या 1 एक सबसेट है? बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं, जब 1 आप कह रहे हो एलिमेंट है तो वो उसका सेट हो सकता है क्या? नहीं, अगर इसको ऐसे लिख दिया होता उसने तब वो होता। अब आप समझ गए, क्या 1 to 5 एक सबसेट है? मैंने लिखा भी है, हाँ बिल्कुल है, ट्रू है ये। अब आप समझ गए इस बात को, अगर आप ये समझ गए तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। और अगर क्लैरिटी आ गई होगी तो अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, डेट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस बात को बस ऐसे ले लीजिए, ठीक है, 1 मिनट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है, हमेशा हर सेट का, क्योंकि हर एक सबसेट, हर एक सेट में कुछ नहीं तो एक चीज होती ही है। तो कुछ नहीं का एक सेट बना दिया, मतलब इस सेट से मैंने कुछ नहीं उठाया, सर वो कुछ नहीं क्या है? वो बेटा नल सेट है सर, वो तो उसे कैसे लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो कि मैंने एक सेट बनाया जिसके अंदर कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं तो हो ही सकता है, तो एक हो गया ये। ऑल्सो हर सेट अपने खुद का सबसेट होता ही है, सॉरी क्या लिख गया, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रॉपर सबसेट। मेरी राइटिंग अगर थोड़ी बुरी है, पढ़ाता भी उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एडजस्ट करिए। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है जिसमें जैसे मान लीजिए ए है 1 to 5 और बी है जैसे 7 1 2 3 4 5। प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है जिसमें एग्जैक्टली कम से कम एक या एक से ज़्यादा चीज़ें गायब होती हैं। जैसे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल आरडी शर्मा ने यूज किया प्रॉपर सबसेट के लिए, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के अंदर एग्जैक्टली एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट है नहीं है जो कि बी के अंदर है। अगर लेकिन अगर मान लीजिए कि मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए के अंदर ये, बी के अंदर ये नहीं होता और ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, तब क्या ए उसका प्रॉपर सबसेट होता? नहीं, तब ए उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता क्योंकि वही उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर भी हैं। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए इस वाले सेट में, और इस वाले सेट का नाम है सुपर सेट। तो प्रॉपर सबसेट कौन है? ए। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी वाइल बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, लेकिन बी क्या है? बी उसका सुपर सेट है। ठीक है, बात समझ गए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ, एक इंटीजर वाली बात रह गई, चलिए इसको बता देता हूँ। चलिए, मुझे ध्यान नहीं रहता क्या क्या अगला टॉपिक है, तो मैं एक रेफरेंस रखा रहता हूँ अपने सामने, ठीक है, कुछ भूल जाऊँ तो। ठीक है,
तो चलिए फिर आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब मैं आपको पावर सेट के बारे में बात कर लेता हूँ। पावर सेट, देखिए पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि सभी सबसेट्स को लेकर बनाया गया होता है। इस वाले जैसे मैंने बनाया है, एक ए सेट है जिसके अंदर ए बी और सी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके सेट सबसेट्स बनाते हैं, इसके हम सबसेट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं पहले। तो पहला एक सबसेट है, सर आप कहेंगे सर आप ए ले लीजिए बस। ठीक, ले लिया मैंने। सर दूसरा एक और है, सर क्या है, सिर्फ बी ले लीजिए। ठीक है, एक और है सर सिर्फ सी ले लीजिए। चलिए मान लिया। इसके बाद आप ले सकते हैं ए कॉमा बी, इसके बाद आप ले सकते हैं ए कॉमा सी, इसके बाद आप ले सकते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, बी कॉमा सी, इसके बाद आप ले सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसका मतलब एक नल सेट भी ले लीजिए। चाहे आप इसे ऐसे लिखिए, चाहे आप इसे ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, सब सही है। अगर आप इन सभी सेट्स का एक कंपाउंड सेट बनाएं, यानी एक बड़ा सेट जो सारे सेट्स सबसेट्स को पैक कर सके, उस सबसेट का नाम है पावर सेट ऑफ ए। पी ए से डिनोट किया जाता है। द पावर सेट ऑफ ए हैज ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए। पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो बस यही होता है, सिंपल होगी बात, आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके अंदर कितने, अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए बी लिखा है या बी ए, ठीक है। और ये जो सबसेट्स हैं ये इसके एलिमेंट बन जाते हैं, यानी आप इसे ऐसे लिखेंगे, दिस बिलोंग्स टू द पावर सेट। आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये एक सेट नहीं है, ये अब एक एलिमेंट है इस सेट का, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, वो उसका सबसेट नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए। अब ये बिल्कुल सही है, पुरानी वाली बात को मैं फिर से ला रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन तो वही है ना सारा। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। पावर सेट के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स आते हैं वो हमेशा 2 to the power m आते हैं, जिसमें m जो होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए होता है। तो 2 to the power 3 यानी 8 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3, 3 एलिमेंट्स अगर ए में है तो पावर सेट में 2 की पावर m एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। समझ गए इस बात को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इक्वल सेट और डिजॉइंट सेट मैंने बता दिया आपको। और अब मेरे पास अगला एक क्वेश्चन है, चलिए इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ द पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल्स टू नल। अगर ए एक नल सेट है तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, बस एक ही एलिमेंट होगा, खुद नल सेट एक एलिमेंट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। नल सेट मतलब कोई अंदर एलिमेंट ही नहीं है, नल सेट का मतलब आप समझ रहे हैं ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए, नल सेट का मतलब है ये। पहले तो आप ऐसे लिखिए, क्या इसके अंदर मैंने कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सर 0 हैं। तो 2 to the power m करिए, 2 to the power m यानी 2 to the power 0, कितने एलिमेंट्स होंगे, 1, यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट होगा, पर एक एलिमेंट वो खुद ही नल सेट ही होगा क्योंकि कुछ नहीं था उसी का सेट बना दिया आपने, अब ये एक एलिमेंट हो गया। अब आप समझे बात को। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आर डी शर्मा का ले लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको पूरी एक कथा जो है कंप्लीट कर सकूँ। मैं एक मिनट देख रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो डैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, पावर सेट नल, एक मिनट में देख इसको, इज इक्वल्स टू 4। पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट ऐसे लिखा गया है। ठीक है, एक मिनट में सही से लिखते हो इसको, एक मिनट दीजिए बस। पावर सेट, पावर सेट डिब्बे भी तो ऐसे यूज करता है कि ये ठीक है, मुझे लगता है बड़ा अजीब सा लिखा हुआ ये और ये। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि पावर सेट ऑफ नल सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ, हाँ ठीक है, नल सेट, इसके अंदर क्या आता है, एक ही एलिमेंट आता है। अभी देखिए हमने पिछले वाले पेज पे ये बात पढ़ी,
पढ़ी कि नहीं कि जब पावर सेट आप लिखते हो नल सेट का, नल सेट का ही तो आपने देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए, ए क्या है, वो तो नल सेट है, तो आपने लिखा सर एक सेट हो, एक एलिमेंट होता है उसके अंदर, खुद ही नल सेट होता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं भी मानता हूँ, लेकिन थोड़ा अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ उसी पेज पे, कहाँ चला गया मिनट, रुकिए मुझे फिर से लिखना। हाँ ये रहा, तो देखिए अब मैंने लिख दिया ये, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, ये आ गया पावर सेट ऑफ नल सेट एक आ गया। अगर मैं उसका भी पावर सेट बनाता हूँ, ठीक है, अब मैं पावर सेट का भी पावर सेट बना रहा हूँ, तो देखिए आप कहेंगे सर एक एलिमेंट तो नल आएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है, एक एलिमेंट तो नल आएगा क्योंकि वो तो हमेशा ही होता है, और सर एक एलिमेंट वो खुद ही सेट आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, और इससे ज्यादा आ नहीं सकते। इसमें कितने एलिमेंट थे, वन एलिमेंट था, तो 2 की पावर 1 एलिमेंट यानी कि 2 एलिमेंट होंगे, एक तो खुद नल सेट होगा क्योंकि वो तो हमेशा आता है, पावर सेट बनाते हैं जब हम तो नल सेट तो आता ही है क्योंकि वो तो हमेशा रहता है, और एक इसी का सेट बन जाता है, तो एक इसी का आपने क्या बना लिया, सेट बना लिया, इस एलिमेंट का सेट बना लिया, ये सेट का सेट बना लिया। ठीक है, इस बात को समझिए, अब हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ नल। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक तो नल आएगा, सही है, एक आप कहेंगे सर एक आएगा, जैसे आपने नल लिख दिया ये तो हमेशा होता है, हमेशा होता है, जैसे मैं इसको ऐसे रेफरेंस लेके चल रहा हूं, मैं देख देखिए आपको यहां पे रेफरेंस ले रहा हूं, जैसे मैंने ए और बी लिखा हुआ है और इसका मैं पावर सेट लिख रहा हूं, ठीक है, इस सेट का, इस एक्स सेट का, ध्यान से देखिए, तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता सर एक तो नल सेट होगा, एक ये वाला होगा इसका सेट बनाइए सर, एक सर इसका सेट बनाइए सर, और सर एक दिन दोनों का सेट बनाइए सर, यही आप कहते कहते कि नहीं, सही, 4 बन जाता है इससे, 2 की पावर 2 होता। अब देखिए भाई आपको यहां करना है, सर आपने एक तो नल ले लिया जो होता ही है, एक जो पहला एलिमेंट है उसको सेट में डालिए सर, पहला एलिमेंट ये है इसको सेट में डालिए सर, मैंने कर लिया, दूसरे एलिमेंट को भी हमें नल सेट में डालना है, ठीक है, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी एक था तो उसके अंदर ऐसे हो गया, और एक लास्ट में आप कहेंगे कि एक इसको लीजिए, एक इसको लीजिए और उसका एक सेट बना दीजिए, समझ गए, एक ए को लीजिए, बी को लीजिए, इसको ए बोलिए, इसको बी लीजिए, कितना आसान हो गया, कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 और 4, और ये 4 आ गए, यही 4 तो बन ही सकते थे, यानी कि नंबर जो है कार्डिनल नंबर बोला गया है, तो कार्डिनल नंबर इस सेट का हो जाएगा 4, प्रूव्ड हो गया, समझ गए बात को। मैं इसमें रुक जाता हूं, अगली बार में इंटरवल्स और यूनिवर्सल सेट से शुरुआत करूंगा, मुझे वैसे आज ही लेना था और मैंने क्वेश्चंस भी रखे थे लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सही नहीं होगा, ठीक है, तो जितना भी पार्ट था मैंने इसी में बता दिया, अगली बार ही जो है वो मैं नेक्स्ट उसमें उसमें कंटिन्यू कर लूँगा, वेन डायग्राम वाले पार्ट में। अब आप वैसे कर सकते हैं, थोड़ी दिक्कत होगी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में, यानी कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 आपसे लग जाएगी, काफ़ी लग जाएगी, और आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 1.4 लग जाएगी, इतना आप करिए पहले, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियोज प्लीज डू शेयर देम एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।